वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी सारे लोग अपने शरीर की बीमारियों को पता करने के लिए फुल बॉडी हेल्थ चेकअप को कराते हैं, लेकिन भाइयों, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप में जो जांचें की जाती हैं उनसे शरीर की बीमारियों का पता नहीं लग पाता है, जिसके कारण किसी के शरीर में कोई बीमारी होती है उस बीमारी का पता उनको नहीं लग पाता है और वो बीमारी बढ़ जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप में कौन कौन सी सही जांचों को कराना चाहिए, जिन्हें कराकर आप अपने शरीर की बीमारियों का पता करके उसका सही इलाज करा के अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन महिलाओं या पुरुषों की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो उन सभी लोगों को साल में एक बार इन सभी जांचों को जरूर कराना चाहिए। आपको चेस्ट एक्सरे, पीएवयू छाती का एक्सरे करा लेना चाहिए, सुबह खाली पेट का एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, इको टेस्ट जो हार्ट की जांच होती है इसको करा लेना चाहिए, सीबीसी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, ईएसआर का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, एचआईवी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, एलएफटी प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, केएफटी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, सीआरपी क्वांटिटेटिव का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, आरए फैक्टर क्वांटिटेटिव का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, विटामिन बी12 का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, HbA1c का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, यूरिन RM पेशाब की जांच को करा लेना चाहिए और भाइयों, आपको स्टूल RM टेस्ट को करा लेना चाहिए। तो भाइयों, इन सभी जांचों को कराने पर आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है। भाइयों, अगर आपको कोई बीमारी आती है तो भाइयों, आप उस बीमारी का सही इलाज कराएं, उल्टा सीधा किसी भी प्रकार का इलाज आप ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।